नमस्कार, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ताल्लुक से मैं रवि तिवारी, मेरे साथ हैं अमृत शुक्ला सर जो हिंदी विशेषज्ञ हैं, टेट विशेषज्ञ हैं, और जितनी भी आपकी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के जो नए नए मसौदे आते हैं उन पर सर का एक विशेष ज्ञान है। और सर, आपके जितने भी प्रश्न, जितने भी कौतूहल आपके मन में है उन सबका प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। ऐसा ही एक नया मसौदा कुछ दिन पहले सरकार द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, और उससे संबंधित प्रश्नों को लगातार आप जो हम लोगों से पूछते रहते हैं, आज सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। नई शिक्षा नीति, ये एक ऐसा शब्द है जिसने आप सबको प्रभावित किया है, आप सबकी पढ़ाई लिखाई को प्रभावित किया है, और आगे आपके करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। नई शिक्षा नीति में आप कैसे यूपी टेट को इसमें देखते हैं नई शिक्षा नीति से जोड़कर, और कैसे शिक्षक भर्ती को आप नई शिक्षा नीति से जोड़कर देखते हैं, इसमें काफी परिवर्तन पहले की परीक्षाओं में और की परीक्षाओं में हो गए हैं। अब अगर आप शिक्षक बनने का सोच रहे हैं, चाहे आप कक्षा दसवीं तक किसी भी वर्ग का शिक्षक बनना चाहें किसी भी तरीके से, तो आपको यूपी टेट पास करना अनिवार्य है। गुणांक भी जोड़ा जाएगा। शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसमें भी इसकी क्या भूमिका है, और यूपी टेट और शिक्षक भर्ती आपस में किस प्रकार से कोरिलेट करता है, इसकी भी क्या भूमिका है। हमारे यहाँ जो बैच संचालित हो रहे हैं उन बैचेज में प्रवेश अभी भी खुले हुए हैं, इनके बारे में भी सर आपको बताएंगे। अभी भी आपके पास उतना समय है जितना आपके लिए आवश्यक है, तो अभी भी आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय यूपी टेट का माहौल बना हुआ है, 22 दिसंबर को आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। जो पुराने लोग यूपी टेट पास हैं उनको भी जो है यूपी टेट देना क्यों अनिवार्य है, क्यों जरूरी है, उस पर भी सर आपको पूरी तरह से बताएंगे कि कैसे आपको अपने मार्क्स को बढ़ाना है। और मैं ये मान के चल रहा हूं, जहां तक मेरा ज्ञान है, कि ये आपका यूपी टेट का एक अंतिम मौका हो सकता है। अगर आप इस बार यूपी टेट अच्छे से पास करते हैं तो ये सुनहरा जो अवसर है, अंतिम अवसर आपका हो सकता है नौकरी प्राप्त करने का। तो बिल्कुल भी इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। क्लियर? जो बैच संचालित हो रहे हैं उसका लाभ लें, और इस मसौदे के बारे में, नई शिक्षा नीति के मसौदे के बारे में, यूपी टेट और शिक्षक भर्ती में इसकी भूमिका के बारे में आज सर पूरा स्पष्ट करेंगे कि अगले 1.5 से 2 महीने जो आने वाले हैं आपको किस तरीके से चलना है, किस सोच, किस मापदंड के साथ आपको पढ़ाई करनी है, यूपी टेट जब आपको देना है तो किन बातों को और किन सावधानियों को अपने मन में रखना है, इन सभी बिंदुओं पर अमृत शुक्ला सर आज आपसे बात करेंगे, और आपके मन के प्रत्येक प्रश्न को दूर करने का प्रयास करेंगे। जो मन में कौतूहल बना हुआ है या संशय बना हुआ है, ऐसे जितने भी प्रश्न है वो आज आपके दूर हो जाएंगे। तो अब मैं आग्रह करूंगा सर से कि सर शुरुआत करें। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर आपका। नमस्कार, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अंबरीश शुक्ल। मित्रों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म NEP के नाम से आप सब जानते हैं, यह काफी परेशान करने वाला शब्द है, और लगातार नई शिक्षा नीति को लेकर छात्र दिग्भ्रमित हैं। नई शिक्षा नीति भ्रामक है, और यह भी है कि कब से लागू होगी, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, राज्य और केंद्र दोनों इस पर अपने नियम बनाते हैं, इसलिए कुछ शक्तियां राज्य के पास निहित होती हैं, कुछ शक्तियां केंद्र के पास निहित होती हैं। तो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस पर अपने नियम बनाते हैं, लेकिन जो गाइडलाइन होती है, जो उसका नियम होता है, वो NCTE के अनुसार ही देखकर पढ़ा जाता है, बनाया जाता है। तो NCTE के अनुसार अब नई शिक्षा नीति में यूपी टेट की जो महत्ता है वो बढ़ चुकी है। नए शिक्षक भर्ती जो आएगी वो किसी भी स्तर की हो, प्राइमरी स्तर की हो, जूनियर स्तर की हो, या माध्यमिक स्तर की हो, उसमें यूपी टेट की उपादेयता, यूपी टेट का महत्व बहुत बढ़ गया है। यूपी टेट की परीक्षा आपको इसी बार पास कर लेनी चाहिए। एक गाना तो आप लोगों ने सुना होगा, जियो तो ऐसे जियो कि जैसे आखिरी हो, क्योंकि अगर आप ये सोचे कि अगली बार यूपी टेट का फॉर्म आएगा तब हम पास कर लेंगे, ये लेश मात्र भी आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। आपको इसी बार यूपी टेट की परीक्षा पास करनी है, क्योंकि अगली बार यूपी टेट की परीक्षा कब हो या कौन सी एजेंसी करवाए, नई शिक्षा नीति के तहत अब जो भी
परीक्षाएं होंगी पात्रता तरह की, वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, इसलिए हो सकता है कि सीटेट और टेट के बदले कोई एक एग्जाम आपको देने के लिए मिल जाए, या केंद्र और राज्य स्तर के एग्जाम को एक साथ मिलाकर कोई एक जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देने के लिए मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको इस बार हर हाल में यूपी टेट पास कर लेना है, न केवल यूपी टेट पास कर लेना है बल्कि आपको अच्छे अंक अर्जित करने हैं, 120 अंक के करीब आप अर्जित कर लें तो एक अच्छी स्थिति में है। 110 अंक तक अगर किसी का है तो उसको भी फॉर्म दोबारा भर देना चाहिए। थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और आखिरी वर्ष में जो लोग हैं उन लोगों को भी यूपी टेट का फॉर्म भर देना चाहिए। देखिए, यूपी टेट पास अगर आप हैं तभी आप माध्यमिक में 10वीं तक के अध्यापक अगर बनना चाहते हैं तब भी आपको यूपी टेट जूनियर स्तर का पास करना होगा। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जूनियर टेट का एग्जाम बहुत पहले दिए थे और उनका एक्सपायर हो चुका है वैलिडिटी वैधता, तो उनको भी दोबारा यूपी टेट का फॉर्म भर के परीक्षा को पास कर लेना चाहिए। क्योंकि जो प्रबंधकीय तंत्र के अशासकीय तंत्र के विद्यालय थे जिसपे प्रबंधक महोदय ही अपने नियम के अनुसार शिक्षकों की भर्ती करते थे, उस तरह की विज्ञप्तियों पर भी रोक लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब वो विज्ञप्तियां माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से होंगी, एलटी ग्रेड की जो बची हुई सीटें वो अभी माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से होंगी। बहुत सारे जैसे मॉडल स्कूल हैं, नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, एनवीएस केवीएस है, जहां भी आपको परीक्षा देनी है हर जगह यूपी टेट की बाधा आपके साथ रहेगी। तो देखिए, अगर आप सीटेट पास हैं तो सभी राज्यों में अगर आपको मौका दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए तो यूपी टेट के बरक्स उसको उसके सामीप्य ही माना जाएगा, सेम माना जाएगा। तो यूपी टेट और सीटेट दोनों में एक आपको पास कर लेना ही जरूरी है। देखिए, यूपी टेट हमारे यहां बैच चल रहा है, बहुत ही आवश्यक है कि आप इस बार यूपी टेट पास न करें बल्कि 120 से अधिक अंक अर्जित करें। देखिए, हमारे यहां जो प्रोग्राम है वो एकदम नया प्रोग्राम है यूपी टेट का, आप प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पर आपको एंट्री लिख के भेज देना है 8382969779। और ये स्क्रोलिंग में बहुत सारे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर भी आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। देखिए, यूपी टेट के फॉर्म भरने में अगर किसी भी तरह की त्रुटि हो गई, किसी भी तरह की गलती आपकी हो गई है तो कृपया पैसे का मोह मत करें, 600 रुपए 1200 रुपए का मोह न करें, आप दोबारा फॉर्म भर दें। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि गलती थी और उस त्रुटि को सुधारा नहीं गया, बाद में आयोग उस त्रुटि को सुधारने का मौका नहीं देता है और अंत में आपकी सैलरी रोक दी जाती है। त्रुटि आपने सुधारा नहीं है जिसके कारण आपकी सैलरी को रोक दिया जाता है, तो ये गलती आप मत करिएगा। किसी भी तरह की गलती अगर आपको फॉर्म भरने में हुई है तो दोबारा से फॉर्म आप सबमिट कर दीजिएगा। दूसरी खास बात क्या है कि सुपर टेट में भी आपको यूपी टेट के अंकों को मुख्य गुणांक में जोड़े जाने का प्रावधान है नई शिक्षा नीति में, इसलिए भी यूपी टेट की उपादेयता बढ़ जाती है। सुपर टेट में आप पहुंचेंगे तभी जब आप यूपी टेट पास होंगे और नई शिक्षक भर्तियां जो भी आएंगी सब की सब नई शिक्षा नीति से प्रभावित होंगी। नई शिक्षा नीति में आपको अध्यापक बनने के लिए इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको डेमो भी देना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ाते हैं, और उसका चयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय करेगा कि आप पढ़ाने की योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो मित्रों, आपको देर किसी बात की नहीं करनी है, प्रवेश लेना है। हमारे यहां पूरे नोट्स दिए जाते हैं, पूरी कक्षाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। ये टारगेट बैच है, यूपी टेट का नया बैच है, एकदम नया है। संस्कृत की कक्षा कल से शुरू हुई है, इतिहास की कक्षा आज से शुरू हुई है, तो आज ही प्रवेश ले लीजिए और अपना एक पद सुनिश्चित कर लीजिए इसी बार। क्योंकि अब जो 2020 है वो चुनाव के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, इसलिए 2020 में शिक्षक भर्तियों की बौछार होगी, बरसात होगी और उसमें आपको एक बूंद ही लेना है, इसलिए यूपी टेट कम से कम पास कर लीजिए। तो ठीक है, 10 दिसंबर तक हमारे यहां पूरे बैचेस समाप्त कर दिए जाएंगे, टारगेट बैच जो है, तो उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। सबसे खास बात क्या है कि जो यूपी टेट का एग्जाम पास कर लेते हैं उनको सुपर टेट में मौका दिया जाएगा, सुपर टेट में आपको इसके गुणांकों को जोड़ा जाएगा, उसके बाद आपका मॉक इंटरव्यू होगा, फिर आपका डेमो टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनली आप अध्यापक बन पाएंगे। तो हर फेज में हम आपके साथ रहेंगे, पूरी तैयारी आपकी करवाते रहेंगे। बाकी किसी भी तरह की समस्या आपकी हो, कोई भी समस्या हो, सीधे आप निजात ले सकते हैं मुझसे। जितनी भी शिक्षक भर्तियां आएंगी सब में यूपी टेट अनिवार्य होगा, एलटी ग्रेड की विज्ञप्ति में भी,
टीजीटी के भी विज्ञप्ति में और जूनियर की विज्ञप्ति में, प्राइमरी के विज्ञप्ति में, हर जगह यूपीटेट अनिवार्य हो जाएगा। तो यूपीटेट या सीटेट जूनियर स्तर का, तो जूनियर वाले भी बच्चे फॉर्म भरें और अच्छे से तैयारी करें और प्राइमरी वाले भी फॉर्म भरें अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। तो बस बहुत ज्यादा आज आपको सूचना नहीं देनी है, एक बात आपको और कहनी है कि यूपीटेट में बचे हुए दिनों का सही सदुपयोग कैसे करें। देखिए, आपको एक अपनी पर्सनल नोट्स बनानी है। नोट्स कैसे बनानी है कि हर एक चैप्टर के हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। जैसे 2011 से लेकर 2019 तक किन किन स्टेट्स में यूपीटेट या स्टेट टेट की परीक्षाएं आयोजित हुई हैं। जैसे हरियाणा में मान लीजिए अगर टेट की परीक्षा आयोजित हुई है तो वहां पर हिंदी के 30 प्रश्न कौन कौन से आए हैं, तो सभी स्टेट्स के प्रश्न जो आए हुए हैं प्रत्येक विषय में, और यूपीट में जितने भी टेट के प्रश्न आए हुए, सीटेट में जितने भी हिंदी के प्रश्न आए हुए हैं, उसी प्रकार से वर्णमाला, तो वर्णमाला मान लीजिए जैसे पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर में आप देख लीजिए कि सभी राज्यों में बिहार टेट में हिंदी वर्णमाला से कितने प्रश्न आए हैं। इसी प्रकार से चैप्टर वाइज नोट्स बना लीजिए कि 2011 से 2019 तक जितने भी टेट की परीक्षाएं भारत में हुई हैं उसमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कितने प्रश्न आए हुए हैं, उस प्रश्नों को निकाल लीजिए। इसी प्रकार से सारे विषयों के सारे लेसन के जो है आप प्रश्नों को निकाल के रख लीजिए और उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए तो उसमें भी आपकी बहुत सहायता होगी। हमारे यहां जो प्रैक्टिस करवाई जाती है, जो नोट्स बनवाए जाते हैं, जो अध्यापक आपको क्लास में पढ़ाते हैं, वो पूरे भारत में आयोजित होने वाले टेट के प्रश्नों को, उनके चैप्टर्स को केंद्र में रख के पढ़ाते हैं। तो इसलिए भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप हमारा बैच ज्वाइन करें। बहुत कम समय है लेकिन पर्याप्त समय है, और इतने पर्याप्त समय में आपको हम 120 तक पहुंचा देंगे। और यह भी गारंटी है कि अगर आप मन से पढ़ते हैं, हमारे पूरे कंटेंट देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो निश्चित तौर पर 120 अंक आपको प्राप्त करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो मित्रों, बस आज की सूचना यहीं तक है। आप लोग इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, 8382 96 67 79, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। एंट्री लिख कर भेज देना है व्हाट्सएप पर, यूपी टेट लिखकर, और बस बाकी काम हम कर लेंगे। आपको कोई जानकारी चाहिए फोन कर सकते हैं नीचे स्क्रोलिंग में दिए गए नंबर पर। तो बाकी और कोई समस्या, कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।